तो गाइस हम पहले रिएजेंट बता रहे हैं कि रिएजेंट क्या है, क्या यूज होते हैं ग्राम स्टेनिंग के लिए। तो फर्स्टली जो हमारा रिएजेंट है वो क्रिस्टल वॉलेट ग्राम साइडिन, ये हमारा सेफ्रेनिन और ये हमारा एल्कोहल। सेफ्रेनिन एल्कोहल से पहले यूज किया जाता है, देन ये हमारे रिएजेंट कम्प्लीट होते हैं। एल्कोहल को हमने एक बीकर में डाल दिया ताकि हमें जो उसको ड्रॉप करेंगे तो ईजिली हम उसको पिक कर सकते हैं स्टेन के लिए। तब हम अपनी स्टेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज किया क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट जो है वो हमारी प्राइमरी स्टेन है, तो प्राइमरी स्टेन हमने इसमें सारी कवर कर दी है। प्राइमरी स्टेन हमारी क्रिस्टल वॉलेट जो हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज करनी है, तो 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करके लीव कर देंगे। देन 1 मिनट के बाद हम इसको वॉटर से रिंस करेंगे, वॉश करेंगे। तो जो वॉटर हम यूज करें वो टैप वॉटर हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक वॉटर जो बीकर है उसमें वॉटर डाल लेंगे क्योंकि हमें इजी रहेगा रिंस करना। तो हमारे जो 1 मिनट है वो कंप्लीट होने वाला है, 2-3 सेकंड्स रहते हैं। नाउ 1 मिनट कंप्लीट हो गया, हम इसको वॉश करेंगे विद वाटर। तो वाटर हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वाटर हम टैप वाटर यूज करते हैं। तो हमने इसको वॉश कर दिया है। तो सेकेंड जो हमारा रिएजेंट है वो हमारा रिएजेंट है ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन जो है वो एक्ट एज अ मॉडरेंट का काम करता है। तो सेकेंड रिएजेंट भी हम 1 मिनट के लिए ही यूज करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया पूरी स्लाइड पे। स्लाइड हमने किस चीज के लिए, यूरिन का हमने सैंपल लिया है जो हमने स्मेयर बनाई है। स्मेयर हमने हीट करके बनाई है इसको, स्प्रेड करके इनोक्युलेशन लूप से। देन अब हम इसको 1 मिनट के लिए लीव करेंगे। इसमें भी टाइमर हमने ऑन किया हुआ है, टाइमर का हम ध्यान रखेंगे। जो प्राइमरी स्टेन है और ग्राम साइडिन जो हमारा मॉडर्न का काम कर रहे हैं, वो दोनों 1-1 मिनट के लिए होने चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमने ड्रॉपर यूज किया है इनके लिए तो हम उसको वॉटर से वॉश कर लेंगे ताकि उसके कंटेमिनेशन, जो प्राइमरी या फिर ग्राम साइडिन हमने यूज किया उसके कंटेमिनेशन ड्रॉपर में ना आए। हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो हमने यहाँ पे वॉश कर दिया विद टैप वॉटर आफ्टर 1 मिनट। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो हम डीकलराइजेशन के लिए ऐड करते हैं एल्कोहल, एसीटोन या फिर इथेनॉल। तो हमारे पास अभी एल्कोहल अवेलेबल है तो हम एल्कोहल यूज करें। तो एल्कोहल जो है जस्ट ओनली 10 सेकंड्स के लिए हमें यूज करना है। तो हमने जस्ट उसको वाटर से हम वॉश कर रहे हैं, रिंस विद टैप वाटर। एंड जो लास्ट वन हमारी प्रोसीजर है, लास्ट वन स्टेज है, वो है हमारा काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन हम करते हैं सेफ्रेनिन से। तो हम लास्ट वन सेफ्रेनिन ऐड करें। जो सेफ्रेनिन है वो भी हम 1 मिनट के लिए ऐड करेंगे। तो याद रखना जो हमारी 3 स्टेज है उसको 1 मिनट के लिए ऐड करेंगे। ओनली जस्ट जो एल्कोहल है डीकलराइजेशन जो हम कर रहे हैं वो हम जस्ट 10 सेकंड्स के लिए करेंगे, बिकॉज जो डीकलरेशन है वो फ्यू सेकंड्स के लिए ही होते हैं। तो जो लास्ट वन स्टेज है हमारी वो भी हम 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। तो काउंटर स्टेन हमने किया सेफ्रेनिन से, हमने उसको पूरे को कवर कर दिया सेफ्रेनिन से। तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए लीव कर रहे हैं, टाइमर हमने ऑन किया हुआ है। तो ड्राई करने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। जो ग्राम स्टेनिंग है वो मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए की जाती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो पर्पल कलर आएगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ब्लू।